Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss some illustrations of the topic of the related parties, IAS 24. Today this is the second lecture of the related parties disclosure. So before we go up to some illustration, let's see some examples of the related party transactions. यानी वो क्या ट्रांजेक्शन हो सकती हैं जिसके अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करे तो वो कंसिडर किया जाएगा कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है. इसके अंदर आ जाती हैं परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. ये तब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहलाएगी जब इवन इफ देर इज़ नो प्राइस चेंज, यानी जो मार्केट वैल्यू है अगर उससे कमोबेश नहीं भी है तब भी ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रहेगी. इस तरह परचेज और सेल ऑफ प्रॉपर्टी और एनी अदर एसेट, ये भी है इसमें कंडीशन एग्जांपल में शामिल है. सर्विसेज की खरीदो फरोख्त शामिल है, लीजिंग अरेंजमेंट हो सकती है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं और फाइनेंस अरेंजमेंट, कोई लोन का लेने देने का मामला भी हो सकता है. सो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल वन. ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, इसके अंदर पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर इसके ऊपर हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. इसमें है जी, यू डिसाइड टू सेट अप अ बिजनेस इन एन ऑफिस ब्लॉक ऑफरिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड योर ब्रदर इज द ओनर ऑफ द बिल्डिंग एंड इज इन ऑर्डर टू हेल्प यू स्टार्ट योर बिजनेस ही एग्रीज टू गिव यू योर ऑफिस विद नो चार्ज फॉर अ 4-year पीरियड. तो बिल्डिंग जिसके अंदर काम आप करने जा रहे हैं उसके ऑनर आपके भाई साहब हैं और उन्होंने ये एग्री किया है कि वो 4 साल तक आपसे ऑफिस का किराया नहीं लेंगे. अब इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? ऑब्वियसली यू आर स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग, आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट यानी कि जब परफॉर्मेंस शो हो रही होगी तो परफॉर्मेंस बेहतर करके शो हो रही होगी. रेंट अगरचे उस रेंट वाली जगह को यूज़ किया जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है, बट उसका एक्सपेंस शो नहीं हो रहा. तो इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जो प्रॉफिट है वो ओवरस्टेटेड है, इन्फ्लेटेड है, हकीकत के ख़िलाफ़ है. आफ्टर 3 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ बिजनेस योर स्टूडेंट नंबर्स हैव डबल्ड एंड यू डिसाइड टू टेक अर्ली रिटायरमेंट एंड सेल योर बिजनेस. तो आप जो है वो बिज़नेस बहुत अच्छा चल गया है और आपने फैसला किया कि इस बिज़नेस को अच्छी हालत को देखते हुए कि सेल कर दिया जाए. योर बिजनेस इज पुट अप फॉर सेल, आपके बिजनेस को सेल पे लगा दिया गया है. तो अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सप्लेन व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द अकाउंट्स रिगार्डिंग दिस ट्रांजेक्शंस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डू दिस. तो क्लियरली आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का एक इशू है, ठीक है, एक मामला है जिसको हमने इधर डिस्कस करना है. तो मामले की तह तक आप पहुंच चुके हैं, इसके अंदर क्या डिस्क्लोज करना है ये मैं पहले आपके साथ डिस्कशन में बता चुका हूं कि एक यू मस्ट डिस्क्लोज द नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. वो ट्रांजेक्शन क्या है? दैट इज़ रेंटल ऑफ प्रेमिसेस, बिल्डिंग का किराए पे हासिल किया जाना और उसमें रिलेटेड पार्टी कौन है? दैट इज योर ब्रदर, ओन्स द बिल्डिंग, ही इज द रिलेटेड पार्टी. और तीसरी चीज उसमें द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, उसको भी शो करना जरूरी है. अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, द फैक्ट दैट यू हैव यूज ऑफ द प्रेमिसेस रेंट फ्री एंड हाउ मच रेंट यू आर सेविंग. तो इसका मतलब है कि आप चूंकि रेंट अदा नहीं कर रहे तो आप रेंट सेव कर रहे हैं, रेंट सेव कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है. ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज होना जरूरी है. इसके ऊपर एक छोटा सा नोट और भी दिया गया है, वो ये है कि दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्रोस्पेक्टिव बायर. डिस्क्लोज करना इसलिए ज़रूरी है कि एक आने वाले ख़रीदार के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है. उसकी वजह क्या है कि वो जब आएगा वो देखेगा कि ये बिज़नेस का प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उस बिज़नेस के प्रॉफिट को जो है वो फील करेगा ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है और उसका डिसीजन को ये असरअंदाज ये चीज़ कर सकती है.
If you did not disclose this matter, the prospective buyer would think they would make similar profits if they purchase the business. वो सोचेंगे अगर हम भी खरीद लें तो हमें भी इसी तरीके का इतना ही प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब यही बिजनेस कोई और खरीदेगा तो आपके भाई साहब जो हैं उसका रेंट चार्ज करेंगे, अगर इस बिल्डिंग में उन्होंने कंटिन्यू करना है, अगर इस बिल्डिंग में एक नए ओनर ने कंटिन्यू नहीं भी करना, कहीं और जाना है, तो फिर तो अल्टीमेटली रेंट तो होगा। तो ऑल्दो द प्रॉफिट फिगर्स आर करेक्ट, ये गलत नहीं है, दे आर डिस्टॉर्टेड बाय द फैक्ट दैट द न्यू ओनर्स वुड इनकर अ रेंट चार्ज फॉर दैट बिल्डिंग, हेंस द प्रॉफिट वुड रिड्यूस अज्यूमिंग ऑल थिंग्स रिमेनिंग द सेम। सो एक ये छोटी सी एग्जांपल थी जिसके जरिए आपको बताया गया, थोड़ा सा आइडिया हो गया कि रिलेटेड पार्टी किस तरह से हो सकती है। तो अब हम चलते हैं एक थोड़ी सी इन डेप्थ डिटेल्ड एग्जांपल की तरफ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन की तरफ, विच इज अवर केस स्टाइल। यानी आपको एक अमली सिचुएशन बताई गई है और उस एक अमली सिचुएशन के ऊपर आपने अपना रिएक्शन पेश करना है, अपना फीडबैक देना है, और आपको एक प्रैक्टिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रोल शो किया गया है कि आप एक फलां कंपनी के जो है वहाँ पे आप एक जॉब करते हैं, यू आर एन अकाउंटेंट। तो आप अगर अकाउंटेंट हैं तो आपके सामने ये सिनेरियो है, तो आपने उसके ऊपर कुछ ब्रीफिंग देनी है, ब्रीफिंग नोट बनाना है। योर सीनियर हैज आस्क्ड यू कि आप जो है ब्रीफिंग नोट बना दें, और वो ब्रीफिंग नोट जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में। ऑल्दो वो आपके सीनियर ही उसको प्रेजेंट करेंगे, लेकिन यू हैव टू सपोर्ट योर सीनियर। सो कम ऑन टू द डिटेल्स ऑफ द सिनेरियो। सीबी इज एन एंटिटी specializing in boarding a wide range of the non-food items and selling them to the retailers. George is CB's founder and chief executive. ये चीज़ें ज़हन में रख लीजिए। CB जो है वो कंपनी है और George उसके founder भी हैं और chief executive भी हैं। तो George का relationship CB के साथ ज़रा गौर करते चले जाएं। चूँकि वो founder भी हैं और chief executive भी हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो की मैनेजमेंट पर्सनल भी हैं, ठीक है। ही ओन्स 40% ऑफ द सीबीज एक्विटी शेयर। तो 40% ऑफ द एक्विटी शेयर ऑन करने की वजह से आप ये भी देख सकते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस कंपनी के ऊपर कितना होगा, ठीक है जी। तो ये कंट्रोल के करीब करीब पहुंची हुई बात है, ऑल्दो इट इज़ नॉट इन कंट्रोल, बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो लाजमी इस्टेब्लिश हो रहा है। तो जॉर्ज साहब के बारे में बिफोर दैट वी एंटर इनटू द क्वेश्चन, एंटर इनटू द डिटेल्स, हमने जॉर्ज के बारे में ये फैसला कर लिया कि जॉर्ज जो है उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी है सीबी पे और वो एक की मैनेजमेंट पर्सनल भी है। तो इन दो रिलेशनशिप्स के साथ रिलेटेड पार्टी बनने के बहुत वाज़ह इम्कान उनके हो गए। अब हम आते हैं तीन ट्रांजेक्शन्स की तरफ, तीन मामलात की तरफ, ठीक है, जो के इसमें जो है डिस्कस किए जा रहे हैं। पहला मामला, सीबीज लार्जेस्ट कस्टमर एक्ससी अकाउंट्स फॉर 35% ऑफ द सीबीज रेवेन्यू। सीबी के 35% रेवेन्यू प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन एक्ससी, सो एक्ससी की अहमियत इसमें वाजह हो रही है। एक्ससी हैज जस्ट कंप्लीटेड नेगोशिएशन विद सीबी फॉर अ स्पेशल 5% डिस्काउंट on all of the sales. तो अब इस 5% डिस्काउंट हो जाने की वजह से आपने डिस्काउंट ऑफर कर दिया है, तो IAS 24 ये नहीं कहता कि a customer with whom an entity transacts a significant volume of business, बहुत बड़ा बिजनेस अगर आप किसी अपने बायर के साथ, कस्टमर के साथ कर लेते हैं, तो इस बिजनेस कर लेने से कोई पार्टी रिलेटेड पार्टी नहीं बन जाती। सिर्फ इतना ही कर लेने से जो है इकोनॉमिक डिपेंडेंस से रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। एक्ससी जो है इज देयरफॉर नॉट अ रिलेटेड पार्टी एंड द
negotiated discount does not need to be disclosed. तो सिर्फ बिजनेस के अंदर आप एक आपका एक बहुत अच्छा कस्टमर है और आपने उसको जो है वो कहा है कि हाँ जी ठीक है जी आपको 5% डिस्काउंट देंगे ऑल सेल्स के ऊपर, तो इस इतनी बात से जो है रिलेटेड पार्टी नहीं बन जाती और इसका डिस्क्लोजर ज़रूरी नहीं है। तो इसको भी हम आगे आंसर में भी देखेंगे, फिलहाल हमने ये इसके ऊपर डिस्कशन कर ली। जी अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड जॉर्ज परचेज अ प्रॉपर्टी फ्रॉम सीबी फॉर $500,000। सीबी हैड प्रीवियसली डिक्लेयर्ड द प्रॉपर्टी सरप्लस टू इट्स रिक्वायरमेंट्स एंड हैड वैल्यूड इट एट $750,000। तो इसको आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा तो इसमें बहुत सारी चीजें आपके जहन में आई। तो सबसे पहले तो एक प्रीवियस टॉपिक आपने पढ़ा कि अगर एक कंपनी किसी एसेट को सरप्लस डिक्लेयर कर दे तो वो किस स्टैंडर्ड के अंडर आता है, इन नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। तो अभी ताज़ा है आपके लिए टॉपिक। सो कंपनी हैज valued it at $750,000 and George has purchased it from CB at $500,000. So there is a big question mark over this transaction. क्यों इतना ज़्यादा फर्क है? Why there is so much difference between the valued market value and the purchasing value? So इसमें कुछ दिस इज क्वेश्चनेबल। तो इसमें जो है वो एक सवालिया निशान पैदा होता है और इसमें पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। सो जॉर्ज परचेज्ड अ प्रॉपर्टी मच लेसर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो उस मार्केट वैल्यू से बहुत कम में उसने उसको परचेज कर लिया। और जैसे कि क्वेश्चन के शुरू में ही मैं आपके साथ डिस्कस कर आया हूँ कि जॉर्ज का जो है वो रिलेटेड पार्टी होना क्लियर है, उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी मौजूद है और उसका की मैनेजमेंट पर्सनल होना भी मौजूद है और एक छोड़ के दो दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं। सो जॉर्ज सेटिस्फाइज बोथ ऑफ दिस डेफिनेशंस एंड कंडीशंस। इज 40% होल्डिंग डेमोंस्ट्रेट्स द एबिलिटी टू एग्जर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड हिज चीफ एग्जीक्यूटिव रोल क्लियरली मेक्स हिम अ मेंबर ऑफ द की मैनेजमेंट पर्सनल। तो वो रिलेटेड पार्टी हो गए और रिलेटेड पार्टी होने की वजह से वाजे है कि ये ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर जरूरी है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इसमें जो है जॉर्ज सन आर्नल्ड इज अ डायरेक्टर इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफसी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम एफसी है। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एफसी एडवांस्ड $2 million टू सीबी एज एन अनसिक्योर्ड लोन एट ए फेवरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें वाजे हो रही हैं। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जस्ट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे रहा है, जस्ट इतनी सी बात में इट डज नॉट क्वालिफाई दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी डिक्लेयर्ड आइडेंटिफाइड एज अ रिलेटेड पार्टी। सिर्फ इतना ही कर देने से, लोन दे देने से, फेवरेबल रेट पे दे देने से जो है वो रिलेटेड पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन जाती। लेकिन इसमें क्या मसला है? इसमें मसला ये है कि जॉर्ज के सन जो हैं आर्नल्ड, वो उसके डायरेक्टर हैं और उनका इसमें किरदार है, ठीक है। तो इस तरह के जो है इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होने से और उनके एक मखसूस जो है वो किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली एफसी एडवांस $2 million टू सीबी एज एन अनसिक्योर्ड लोन, इसमें लोन भी अनसिक्योर्ड है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फेवरेबल है, तो इसका भी डिस्क्लोजर जरूरी है। तो यहाँ तक हम डिस्कशन इसकी कंप्लीट कर चुके। तो अब हम जरा इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स में यू हैव बीन गिवन अ रोल दैट यू आर एन अकाउंटेंट वर्किंग फॉर सीबी एंड यू हैव बीन आस्क्ड बाय द फाइनेंस डायरेक्टर टू प्रिपेयर अ ब्रीफिंग नोट एंड दैट हैज टू बी प्रेजेंटेड एट द नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, जिसके अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे द एक्सटेंट टू विच द अबव ट्रांजेक्शन शुड बी क्लासिफाइड
and disclosed in the CB's financial statements in accordance with IAS 24 related party disclosures. तो ये है सिचुएशन. मजीद बरा आपको फाइनेंस डायरेक्टर साहब ने कुछ ये भी बता दिया है that you, the board are not interested in the role of IAS 24 in general. They just want to know about any disclosure requirements for the specific transactions mentioned above. वो मखसूस इन ट्रांजेक्शंस के बारे में आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि उसको क्या कैसे हम उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं. ये तो हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब आते हैं हम स्पेशली उसके रोल की तरफ. जॉर्ज ही ऑल्सो लेट यू नो, डायरेक्टर ने फाइनेंस डायरेक्टर ने आपको ये भी अंदर की बात बता दी दैट जॉर्ज इज पर्टिकुलरली कीन टू अवॉइड यू डिस्क्लोजिंग हिज परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी. तो जिसमें वो खुद फंसते हैं तो उसमें उन्होंने सोचा, उनकी ख्वाहिश है कि मकान की खरीदारी परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी जो भी है वो डिस्क्लोज ना किया जाए. कीन टू अवॉइड, वो बहुत उनकी ख्वाहिश है कि ऐसा ना किया जाए. एंड बिलीव्स ही शुडंट हैव टू एज द प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस एनीमोर. और इसमें चूंकि एक उनका एक आइडिया है एक आम शख्स के तौर पे, या उन्होंने एक रॉन्ग एक्ट किया है अपेरेंटली, तो वो ये चाह रहे हैं कि चूंकि बिजनेस को तो उसकी जरूरत ही नहीं थी सो मैंने उसको खरीद लिया तो इसमें क्या है. वो ही बिलीव्स ही शुडंट हैव टू एज द प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस एनीमोर. तो वो ये समझते हैं कि उसको डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए क्योंकि बिजनेस को तो जरूरत नहीं थी तो मैंने खरीद लिया. सो व्हाट ही इज हैप्पी हाउएवर फॉर द बैंक लोन टू बी डिस्क्लोज्ड एज ही बिलीव्स शेयर होल्डर्स विल बी प्लीज्ड that a favorable rate of interest has been achieved. और उनका ये ख्याल है कि shareholders इससे खुश होंगे कि एक अच्छा लोन ले लिया गया. अब हम आते हैं author के solution की तरफ. standardized solution normally बहुत अच्छा होता है, इसको भी पढ़ लेना चाहिए. although हम इस बारे में discuss कर रहे हैं कि इसकी क्या treatment होनी चाहिए थी. पहला point, discount awarded to largest customer. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि IAS 24 ये कहता है कि customer with whom an entity transacts a significant volume of business not a related party merely by virtue of the resulting economic dependence. सिर्फ और सिर्फ इस तरह से आपकी कुछ economic dependence उससे बन रही है, आप उसको discount दे रहे हैं तो इससे ये related party नहीं बन जाती and उसको need not to be disclosed. ठीक है, पहला हो गया point. purchase of property, ये clear cut मैं आपको बता चुका हूँ के जॉर्ज साहब जो हैं वो 40% होल्डिंग की वजह से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं और की मैनेजमेंट पर्सनल के एक मेंबर हैं चीफ एग्जीक्यूटिव होने की वजह से. तो देयरफॉर द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर $500,000 मस्ट बी डिस्क्लोज्ड एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड इट्स वैल्यूएशन should also be disclosed so that the users of the financial statements can understand the impact that the transaction has on the financial statements. So, ye cheez disclose honi chahiye. Aakhri baat, bahut ahem baat, even if the transaction was at the market value, yani agar George saab isko $750,000 mein bhi khareedte, tab bhi is, it should still be disclosed. There is no option to avoid disclosure in these circumstances. ये ऐसा क्यों है? ये डिटेल में हम प्रीवियस जो है लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कि फिर भी उसका डिस्क्लोज करना क्यों जरूरी है. So last but not the least, bank loan with favorable interest rate. तो इस बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि Providers of the finance are not related parties simply because of their normal dealings with the entity. Just आपको कोई loan provide कर रहा है, financial institution है, अपने normal dealings की वजह से वो related party नहीं बन जाता. However, if the party is a close member of the family of any individual categorized as a related party, they are also a related party. यानी जॉर्ज साहब के बेटे जो हैं वो चूँकि वहाँ पे मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर होने की वजह से उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तो एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की सूरत हाल पैदा हो गई. सो
यानी कि वो शेयर होल्डर जॉर्ज जो हैं वो एक शेयर होल्डर भी हैं, ऑनर भी हैं, की मैनेजमेंट पर्सनल भी हैं, और जो है उनके बेटे, ऑब्वियसली उनका एक रिलेशनशिप है। आर्नल्ड इज जॉर्ज सन एंड जॉर्ज इज ए रिलेटेड पार्टी, सो विद एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आर्नल्ड इज ऑल्सो इज देयर फॉर ऑल्सो ए रिलेटेड पार्टी। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इनडायरेक्ट रिलेशन से भी रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट कर सकते। सो क्या नतीजा निकला? फाइनली द लोन फ्रॉम द एफसी ऑर्गेनाइजेशन विल नीड टू बी डिस्क्लोज्ड अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ द आर्नल्ड एंड हिज इन्वॉल्वमेंट इन द अरेंजमेंट इफ एनी। तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ उनकी अरेंजमेंट उसके साथ होगी, कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी, तो जो वो उसमें मुलव्वस रहे, तो जिसके जरिए एक लोन बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को हासिल हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री ट्रांजेक्शन्स ऑफ दिस केस, जिसमें हमने तीनों सिनेरियोस को डिस्कस किया और IAS 24 के मुताबिक उसको डील किया। तो हमारा ऑलमोस्ट ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। इसकी हमने कुछ इलस्ट्रेशन भी देख ली, एग्जांपल्स देख ली। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर किसी लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।